इस वीडियो के अंदर हम स्टेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्टेल स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज़ है, हमें स्टैट प्रो में स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है या फिर मैनुअल एनालिसिस करना है, तो बेसिक चीज़ है कि हमें सब में बेसिक चीज़ है जो पहली ज़रूरत है कि हमें जो स्ट्रक्चर का लोड लेना है वो कितना लेना है, ये सब में पहला क्वेश्चन आता है। तो वो वहाँ पे जो है बहुत सारे जनों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा लोड ले, कितना लोड ले, ओके, और क्या मटेरियल, कौन सा मटेरियल मीन्स कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करे, कितने टाइप के लोड्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा मैं आपको क्लियर करूँगा कि हमें जो है स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते टाइम, डिज़ाइन एनालिसिस डिज़ाइन करते टाइम कितने टाइप के लोड लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम बेसिकली तीन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, वेयरहाउस शेड, इंडस्ट्रियल शेड और कमर्शियल बिल्डिंग। ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम कितना लोड लेते हैं और क्या लोड जो है अज्यूम करते हैं वो उसकी स्टडी करने वाले, ओके। वेयरहाउस शेड, इंडस्ट्रियल शेड और कमर्शियल बिल्डिंग। तो सब में पहले देखेंगे हम वेयरहाउस शेड। अब वेयरहाउस शेड के अंदर जो मटेरियल है, हम अभी फिलहाल के अंदर जो है बिल्टअप सेक्शन आप अपने हिसाब से लेंगे, जो भी आपको स्टैट प्रो में या मैनुअल एनालिसिस के टाइम पे आपको, जैसे हम एक कंसिडर कर लेते हैं स्टैट प्रो में हमें एनालिसिस करने का है, तो यहाँ पे जो है हम टेपर सेक्शन जो लेते हैं वो जनरली वो सेक्शन लेंगे हम, ओके, IS 2062 या फिर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से भी ले सकते हैं आप। दूसरा है रूफिंग शीट। रूफिंग शीट जो लेने वाले हम पॉइंट कंसिडर करने वाले 0.47 mm थिक की गैल्वेनम शीट, उसका जो ग्रेड है 550 MPa ग्रेड है, ओके। एक वॉल क्लेडिंग लेने वाले हैं जो वॉल के लिए, वॉल के ऊपर यूज़ करते हैं, वॉल क्लेडिंग 0.5 mm थिकनेस की रखने वाले हैं और उसका भी जो ग्रेड है 550 MPa, ओके। अब यहाँ पे जो है मेन शुरुआत होती है। अब यहाँ पे जो है इतने बेसिक चीज़ें हमने कंसिडर कर ली वेयरहाउस शेड के अंदर। अब सब में पहले आता है डेड लोड। डेड लोड के अंदर आता है, डेड लोड के अंदर जब हम स्टैट प्रो में एनालिसिस कर रहे हैं तो डेड लोड के अंदर आता है सेल्फ वेट, ओके, सेल्फ वेट आता है। और फिर उसके बाद है वेट ऑफ कनेक्शन। वेट ऑफ कनेक्शन हम कितना कंसिडर करेंगे, वेट ऑफ कनेक्शन जो है 50%, 15% ऑफ सेल्फ वेट लेंगे हम, ओके, सेल्फ वेट 15% ऑफ सेल्फ वेट लिए तो वेट ऑफ कनेक्शन हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है वेट ऑफ रूफ शीटिंग, जो रूफ शीटिंग हमने कंसिडर करे है 0.47 mm, ये आपको जो मैनुअल रहता है कंपनी का जहाँ से आपको शीटिंग लेना है, या फिर आप जो भी मैनुअल आप ले सकते हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो भी शीट है उसका जो लोड है वो हम निकाल सकते हैं। तो 0.47 mm के हिसाब से हमें जो शीटिंग का लोड मिलता है, वेट ऑफ रूफ शीटिंग, वो 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर मिलता है, kg पर स्क्वायर मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर वेट ऑफ रूफ शीटिंग मिलता है। वेट ऑफ वॉल क्लेडिंग जो है वो भी, क्लेडिंग जो 0.5 mm थिकनेस की है तो इसका भी सेम रहेगा, इसका जो है 4.5 मिलेंगे, 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर। ओके, ये जो है सेम आता है। अब यहाँ पे जो है दूसरी चीज है लोड ऑन पर्लिन। लोड ऑन पर्लिन जो लोड आ रहा है पर्लिन के ऊपर वो डिपेंड करता है आपके जो पर्लिन है वो क्या साइज की है, ओके, उसके हिसाब से पूरा डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हमने जो साइज लिया है वो 30 mm by 45 mm का है अपना, ओके। तो यहाँ पे मीटर में लेंगे हम उसको, तो 0.03 और प्लस 0.045, ये उसका एडिशन करें। फिर उसके बाद जो है लोड ऑन पर्लिन मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी लेंथ से,
ओके, यहाँ पे 1.42 mm का हमने पर्लिन रखा है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है वो एडिशन 0.03 + 0.045 इंटू 1.42, तो यहाँ पे आंसर आता है 0.106 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे लोड ऑन पर्लिन मिल जाता है हमें। फिर सेम जो है गर्ड के लिए करना है। गर्ड जो है ये वॉल क्लैडिंग के लाइन में रहते हैं, तो गर्ड के ऊपर लोड लोड जो है अपना कितना आएगा, 0.045, जो डेप्थ में ज़्यादा है, मीन्स जिसकी लेंथ ज़्यादा है 0.045 एक ही लेंथ आएंगे, और उसके बाद जो है सेक्शन आएगा 1.42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, और यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.0639 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे जो है लोड ऑन गर्ड और लोड ऑन पर्लिन मिल चुका है। तो ये गर्ड और पर्लिन जो है ये अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं हम स्टैट प्रो के अलावा भी, या फिर स्टैट प्रो में भी एनालिसिस करते हैं। गर्ट और पर्लिन को जो है सिंपली सपोर्टेड बीम बोल के कंसिडर करके उसको एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई होंगी। अभी डेड लोड के अंदर हम वेयरहाउस शेड डिज़ाइन कर, डेड लोड के अंदर कौन से जो लोड है वो लेते हैं। अब आता है इम्पोज लोड। इम्पोज लोड मीन्स लाइव लोड के तरफ आते हैं हम। लाइव लोड में जो है, लाइव लोड में सब में पहला आता है रूफ लाइव लोड। रूफ के ऊपर लाइव लोड आने वाला है, तो रूफ लाइव लोड कितना लेने वाले हम, यहाँ पे जो रिकमेंड करता है IS 875 Part 2, तो 0.75 रिकमेंड करता है, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो है रूफ लाइव लोड 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इम्पोज लोड, या फिर इसे हम लाइव लोड भी बोल सकते हैं, ये कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो है विंड लोड। विंड लोड जो है IS 875 Part 3 के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर मीन्स आपका स्ट्रक्चर किधर है, तो यहाँ पे चार चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिखा है बेसिक विंड स्पीड, आपका लोकेशन किधर है। आप IS 875 Part 3 में जो मैप है उसके हिसाब से देख सकते हैं आपका लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से हम जो है बेसिक विंड स्पीड कितना है वहाँ पे। जैसा मेरे इधर जो है 47 मैं कंसिडर कर रहा हूँ, 47 मीटर, ओके 47 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे जो है कंसिडर कर रहा हूँ मैं। और टेरेन कैटेगरी, टेरेन कैटेगरी भी आपको कोड के हिसाब से लेना पड़ेगी, यहाँ पे 2 ले रहा है। डिज़ाइन लाइफ जो है, डिज़ाइन लाइफ 50 ईयर कंसिडर कर लेने का। ओके, डिज़ाइन लाइफ 50 ईयर्स, 50 ईयर के लिए हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं। ओपनिंग परसेंटेज ऑफ ओपनिंग जो है वेरी होता है, ये आपके स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग जो है हम 5 से 20% 5 से 20% ऑफ वॉल, जो वॉल रिंग वॉल के अंदर कितनी ओपनिंग आ रही है, तो उसको उतना 5% आ रही है 20%, तो उसके हिसाब से हम परसेंटेज ऑफ ओपनिंग लेंगे। तो यहाँ पे जो आपने ये चार फैक्टर डिसाइड हो गए, उसके बाद जो है पूरा लोड कैलकुलेशन होता है। ओके, ये मेन चार पॉइंट है। उसके बाद जो है सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड जो है IS 1893:2016 है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली उसे रिवाइज कर दिया गया है। अभी रिसेंटली जो है नया कोड आ चुका है 1893:2023। मैंने इसकी पूरी डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है, आप इसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उसको। ओके, यहां पे जो है रिवाइज हो चुका है 1893:2016। इसका पहले जो 6 पार्ट थे, अभी 11 पार्ट हो चुके हैं। तो ये ध्यान से करना है। तो ये वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउस के लिए लोड क्या क्या लेते हैं ये मैंने बता दिया है। ओके, दूसरा आ रहा है हमारा इंडस्ट्रियल शेड। इंडस्ट्रियल शेड जिसके अंदर हम ट्रस सेक्शन यूज़ करते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल शेड में आता है। तो इसके अंदर भी जो है हम रूफ शीट की जो थिकनेस है 0.47, वॉल क्लैडिंग की 0.5 सेम कंसिडर करेंगे। सिर्फ डेड लोड के अंदर हमारा चेंज होगा। अब जहाँ यहाँ पे जो है डेड लोड, वेट ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब हमारा वहाँ पे जो सेम था, जो था हमारा, तो हम वेट ऑफ
यहाँ पे भी सेम रहेगा, ओके। यहाँ पे जो वेट ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है सेल्फ वेट, ओके, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, ओके। वेट ऑफ कनेक्शन भी यहाँ पे सेम रहता है 15%, 15% ऑफ सेल्फ वेट, ओके, 15% ऑफ सेल्फ वेट यहाँ पे जो है 15% करेंगे सेल्फ वेट का, तो यहाँ पे वेट ऑफ कनेक्शन निकल के आ जाएगा WMT, ओके। यहाँ 15% करें, रूफ शीटिंग का जो लोड है वो सेम रहेगा यहाँ पे, रूफ शीटिंग का 4.5 केजी पर स्क्वायर मीटर, केजी पर स्क्वायर मीटर। और जो है वॉल क्लेडिंग है, वॉल क्लेडिंग का भी जो लोड है वो सेम होगा 4.5 केजी पर स्क्वायर मीटर, ओके। अब यहाँ पर लोड ऑन पर्लिन, लोड ऑन पर्लिन जो कंसीडर कर रहे हैं वो सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे सेम आएगा 0.03 प्लस 0.045 इंटू 1.42, ओके। यहाँ पे कितना आता है वो 0. वेट ऑन पर्लिन आता है हमारा 0.01065, ओके, किलो न्यूटन पर मीटर। सेम वेट ऑन लोड ऑन गर्ट आएगा, लोड ऑन गर्ट जो है 0.0045 इंटू 1.42, ये कितना आता है हमारा 0.0639 किलो न्यूटन पर मीटर लोड ऑन गर्ड्स आ जाता है हमारा। यूटिलिटीज वेट ऑन साइड कॉलम, जो साइड कॉलम यहाँ पे जो है साइड कॉलम के ऊपर हम इंडस्ट्रियल शेड बना रहे थे, उसके अंदर साइड कॉलम रहते हैं, तो साइड कॉलम के अंदर जो यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज वेट ऑन साइड कॉलम, तो यहाँ पे आ रहा है 300 केजी पर मीटर, पर मीटर केजी पर मीटर में रहता है ये। वॉकवे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वॉकवे भी रहता है, तो इसका जो लोड आता है वो 100 केजी पर मीटर आता है, ओके। तो यहाँ पे वॉकवे और यहाँ पे दो लोड इम्पॉर्टेंट है, एक यूटिलिटी वेट ऑन साइड कॉलम और एक वॉकवे। यहाँ पे दो लोड जो है इंडस्ट्रियल शेड के टाइम पे ऐड करना पड़ता है हमें। इम्पोज लोड, लाइव लोड जो है IS-875 पार्ट टू के हिसाब से लेंगे, वहाँ पे भी सेम रह रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल शेड है, इंडस्ट्रियल शेड के वजह से यहाँ पे रूफ लाइव लोड जो है, रूफ पे जो लाइव लोड आ रहा है वो 0.75 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आएंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ मिनिमम इतना लेना पड़ता है। और लोड ऑन वॉकवे, यहाँ पे जो वॉकवे था, वॉकवे के ऊपर जो लोड कंसिडर करते हैं वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वॉकवे का लोड जो है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, रूफ लाइव लोड जो है 0.75, ये मिनिमम है। इसके ऊपर जितना फिर आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चेंज होता है। विंड लोड जैसा हमने पिछली बार देखा था वैसा ही सेम करना है। बेसिक विंड स्पीड आपका जो भी है वो आपको निकालना है IS-875 पार्ट थ्री के हिसाब से, 47 मीटर पर सेकेंड का है, ओके। टेरेन कैटेगरी यहाँ पे सेकेंड रखेंगे हम, और डिज़ाइन लाइफ 50 ईयर रखना है हमें हमारे स्ट्रक्चर का 50 ईयर। परसेंटेज ओपनिंग मिनिमम जो है 5% तो हमें रखना चाहिए, 5-20% हमारा जो ओपनिंग रहेगा, 20% ऑफ वॉल।
जो भी वॉल का ओपनिंग रहेगा वो 5 से 20% में रहेगा, तो उतना कंसिडर करके हमें जो है डिज़ाइन करना है। सेस्मिक लोड जो है IS 1893-2016 जो है अभी चेंज हो चुका है, तो इसलिए जो है अभी नए न्यू कोड के हिसाब से IS 1893-2023 के हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, सेस्मिक लोड लेना पड़ेगा। लास्ट का जो है हमारा कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया हमारे, अब कमर्शियल बिल्डिंग जो हम यूज़ जो शॉप्स और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर वेट ऑफ स्ट्रक्चर सेम रहता है, वेट ऑफ कनेक्शन भी सेम रहता है। स्टील डिज़ाइन करते टाइम ये याद रखना, वेट ऑफ कनेक्शन चेंज नहीं होता है, 15% ऑफ सेल्फ वेट। ओके, रूफ शीटिंग और वॉल क्लेडिंग दोनों सेम रहेंगे, 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर, 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पे दोनों भी सेम रहेंगे, 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर। लोड ऑन पर्लिन भी सेम रहेगा, लोड ऑन पर्लिन जो हमने सेम ऊपर निकाला था 0.03 + 0.045 ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 point जो लेंथ है आपके पर्लिन का 1.42 इज इक्वल टू जो भी आंसर आया आपका 0.1065 kN/m, इस पे आप डिज़ाइन कर सकते, लोड अप्लाई कर सकते हैं। इतना लोड ऑन गर्ड जो है 0.045 × 1.42 जो आपका आंसर है, यहाँ 0.0639 kN/m। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज होंगी जो है कमर्शियल बिल्डिंग है ये, तो कमर्शियल बिल्डिंग रहेंगी तो उसके अंदर वॉल भी रहेंगी, तो यहाँ पे वॉल लोड ऐड होंगे लाइव लोड के अंदर। ओके, सिर्फ लाइव लोड में चेंज होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पेरीफेरी पार्टीशन लोड रहेगा, पेरीफेरी पार्टीशन लोड जो वॉल रहेंगे पेरीफेरी के उसका लोड निकालेंगे हम। अब जो भी लोड आ रहा है जैसा यहाँ पे हमारे हिसाब से यहाँ पे 19.2 kN/m³। ओके, यहाँ पे हमारा पेरीफेरी का पार्टीशन का लोड आ रहा है, इंटरमीडिएट पार्टीशन लोड जो है कम है, पेरीफेरी की वॉल की थिकनेस भी ज़्यादा है इसलिए उसका ज़्यादा लोड आ रहा है क्यूबिक मीटर के अंदर है, और जो इंटरमीडिएट के पार्टीशन लोड है वो 1 kN/m² इतने आ रहे हैं। फ्लोर लाई लोड जो है हमारा फ्लोर के ऊपर जो लाई लोड आ रहा है वो 4 kN/m² इतना है, और रूफ लाई लोड, अब रूफ लाई लोड में भी हमारा हम सेम भी रख सकते हैं या फिर हमारा कम हो रहा है तो कम भी कर सकते हैं उसके। ओके, हम यहाँ पे जनरली सेम इज कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे जो है विंड्स बेसिक जो यहाँ पे ये एक बात याद रखना है, क्या डेड लोड ये कमर्शियल बिल्डिंग एनालिसिस करते टाइम, एनालिसिस डिज़ाइन करते टाइम सिर्फ जो है लाइव लोड के अंदर ही चेंज होंगे, बाकी किसमें भी नहीं, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर वॉल्स रहते हैं, वो वॉल की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लोड कितना आ रहा। ओके, तो ये निकालने का है आपको, तो ये तो आपको जैसा RCC के अंदर हम करते हैं जो भी उसकी थिकनेस होंगी वॉल की, थिकनेस इंटू हाइट इंटू डेंसिटी करना पड़ेंगे आपको। ओके, अब यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड जो है हम कंसिडर करेंगे 47 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, और यहाँ पे टेरेन कैटेगरी सेकेंड रहेंगी, डिज़ाइन लाइफ जो है 50 ईयर की रहेंगी। ओके, 50 ईयर्स, ओपनिंग जो है सेम 5 से 25% ही कंसिडर करना है। ओके, सेम
बाकी की चीज़ें एकदम सेम हैं। तो आपको ये जो लोड फाइंड आउट करना है, सिर्फ यहाँ पे ये लोड फाइंड आउट करके आपको जो भी आपको मॉडल रहेगा स्टैट प्रो के अंदर आपने मॉडल किया है उसे उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो हम लोड कॉम्बिनेशन कैसा लेना है इसके बारे में जानेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।